व्हाट इफ थैनोस ज्वाइन द एवेंजर्स। जब एवेंजर्स ब्रह्मांड के छोर तक गए बिल्डर्स के विनाश की लहर को रोकने, तब थैनोस और उसके कलवों की सेना ने पृथ्वी पर हमला कर दिया थैनोस के बेटे थैने को ढूंढने के लिए। इस युद्ध का फैसला काफ़ी दर्दनाक था जिसकी भारी रकम चुकाई गई, पर क्या होता अगर कुछ और होता? क्या होता अगर ये लड़ाई किसी और ढंग से लड़ी जाती? क्या होता अगर कुछ अलग किया गया होता तो क्या होता? स्वागत है आपका द कॉमिकॉलिक में। आज की कहानी है क्या होता अगर थैनोस एवेंजर से जुड़ जाता। गैलेक्टिक काउंसिल का गढ़। कुछ लोग रहते हैं वहीं बीच में सम्राट जेसन बताते हैं एक एक करके सारे ग्रह ये विल्डर के आतंक के आगे खत्म हो जाता और हमारा कप्तान यूनिवर्स कोमोस हो जाता, उसके बिना जितना नामुमकिन दिखता हमको। तभी कैप्टन अमेरिका, सम्राट जेसन मैंने बहुत सारी युद्ध देखी है तो मुझे पता है कि हमारे पास उतने हथियार नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया है जो बिल्डर ने सोचा ना हो। इस पर सम्राट, तुम्हारी राजनीति सराहनीय है अमेरिका के कप्तान, और सिर्फ इंसानों के लिए, इसलिए हम मदद बुलाया। और तभी वही थैनोस आता है और आते ही, इससे पहले कि तुम एवेंजर्स मुझ पर हमला करो मेरी बात सुनो। हाँ, मैं चाहता हूँ दुनिया का खात्मा, पर इस तरह नहीं। ये बिल्डर मौत के बारे में नहीं है पर उन्नति के बारे में, जो मुझे मंजूर नहीं। तो क्यों ना हम साथ मिलकर उसका किस्सा खत्म करें। तभी वही कैरोल कैप्टन को मना करती है कि वो ऐसा सोचे भी ना। कुछ दिन बाद कहीं लड़ाई होती रहती है और उस लड़ाई को देखते ग्लैडिएटर, कैप्टन अमेरिका और मार्वल बात करते रहते हैं कि थैनोस और उसके कलवों के आने के बाद उनका पलड़ा भारी पड़ रहा है, और फिर भी ये बिल्डर बिना लड़ाई के नहीं मानने वाला। वहीं थैनोस और थॉर साथ में सबको मारते रहते हैं। थॉर, तुम अपने आप को भगवान मानते हो थैनोस, मैंने तुमसे कहीं ज़्यादा इन नमूनों को मारा है। इस पर थैनोस एक को मारते। मुझे चैलेंज कर रहे हो थॉर? ठीक है, अब देखते हैं। कैप्टन मार्वल इन दोनों को देखते कैप्टन अमेरिका को बताती है, ये दोनों तो जय वीरू की जोड़ी बन गए। लगता है थॉर इस पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करने लगा जो कत्लेआम थानोस ने पृथ्वी पे मचाई उसके बावजूद। इस पर स्टीव, हाँ इसी बात का तो डर है। आयरन मैन स्टीव को बताता है कि पृथ्वी सुरक्षित है, मैंने तो एक दिन की छुट्टी भी ले ली, मतलब कुछ देर के लिए। इस पर स्टीव, सही है, लड़ाई बिल्कुल वैसी ही जारी जैसा सोचा था। तो ब्लैक पैंथर, तुम्हें किस बात की चिंता है मेरे दोस्त, क्या गड़बड़ लग रहा है? स्टीव बताता है कि उसे समझ नहीं आ रहा पर कुछ तो है, वैसे कुछ हो तो बताना। तभी वही थैनोस, तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते, पहले तो तुम वैसे भी एवेंजर्स का साथ दिए थे जो बहुत खिलौने काम किए हैं। स्टीव उसे रोकते हुए, भरोसा कमाया जाता है, ये शायद तुम भूल गए होगे जो तुमने किया पर मैंने नहीं। जैसे ही खत्म होगा तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी, और हाँ तुम एवेंजर नहीं हो। कैप्टन मार्वल वहीं आते। स्टीव, कैप्टन यूनिवर्स जग गई है और वो बिल्डर पे पूरी जोर से हमला कर रही है, पर ऐसा लग रहा है कि बिल्डर सबको खत्म होने का आदेश दे रहा है। वो खुद तो जा रहे हैं, साथ में बहुतों को ले जा रहे हैं। इस वक्त थैनोस, हम ऐसा नहीं करने दे सकते, वो दोबारा जोरों से हमला करेंगे बड़ी ताकत के साथ, मैं तो ऐसा ही करता। सब लोग टेलीपोर्ट होकर बिल्डर के जहाज में जाते हैं। वहाँ जाते हैं कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स ये जहाज का कमान अपने हाथ में लो। थैनोस उन पे हमला करते हैं। मौत को गर्व होगा आज। थॉर उसको मारते हुए, भगवान के प्रकोप का सामना करो मौत के सौदागरों। थैनोस के सीख को पकड़े उसे धीमे से पूछते हैं, कहाँ है वो? ये देखते कैप्टन अमेरिका, क्या चाल चल रहे हो थैनोस तुम। तभी बिल्डर का एक नमूना कैप्टन पे हमला करते हुए उसे देख ग्लैडिएटर चिल्लाते हुए कैप्टन को बचाता है और खुद घायल हो जाता है, और कैप्टन फिर उस नमूने को मार देता है। थॉर ग्लैडिएटर को संभालते हैं। दोस्त लड़ाई पर ध्यान दो, फालतू की बातों पर नहीं। स्टीव संभालते हुए, हाँ सही कह रहे हो तुम। थैनोस बिल्डर के कमरे में जाता है जहाँ दो पहरेदार थे। वो थैनोस को अंदर जाने से मना करते हैं पर थैनोस उसे मार देता है, और अंदर जाते ही, तुम जो मेरा हाथ छुपाओगे मुझे मेरे बेटे दो। वो दोनों उसे मना करते हैं और वो बोलती है, ये सदियों में एक नया बिल्डर बना है, ये उन्नति देखेगा सब बर्बाद होने के बाद। इस पर थैनोस गुस्से में, तुम्हारे लोगों का कत्लेआम बच सकता था अगर मेरे पास आए होते तो, पर अब मैं तुम्हारे खून से नहाऊंगा। तभी मैं कैप्टन अमेरिका आते ही, तो इसके लिए तुम हमारी मदद की है, पृथ्वी को बचाना तुम्हारा मकसद कभी था ही नहीं। थैनोस बताता है कि मेरे कलवों अकेले बिल्डर को नहीं हरा सकते थे, मुझे एवेंजर्स की जरूरत थी, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना कैप्टन? हाँ, गुस्सा तो आ रहा है पर खुद पर, क्योंकि एक पल के लिए भरोसा हो गया था तुम पर अब नहीं। और तुम उस बच्चे को नहीं मारोगे, मैं पहले भी ऐसा खेल खेला है। इस पर थैनोस। हाँ, और इसका अंजाम अलग होगा मेरे प्यारे कप्तान। पर तभी कैप्टन थैनोस पे हमला करता है। बाहर थॉर और कैप्टन मार्वल लड़ाई करते रहते हैं। मार्वल बोलती है, ये बहुत सारे हैं। इस पर थॉर, जीत के इतना करीब आकर अब हार नहीं मान सकते। तभी बिल्डर, तुमने हम में से बहुत को मारा है ओडिन पुत्र, उसके बाद तो अनागार एस्गार्ड बर्बाद होगा। और वो थॉर पे हमला करता है। तभी वही शील्ड से उसे को बचाता है। इस पर थॉर, उस्ताद। वही थैनोस शील्ड लिए, नहीं उस्ताद नहीं रहे। कैप्टन अमेरिका हीरो की मौत मरी बिल्डर के आखिरी नमूनों को मार के। बिल्डर वहां से भागते। तुम्हें लगता है ये अंत है पागल? तुम ये बोलते ही रहता है कि थैनोस शील्ड फेंकता है। युद्ध का कभी अंत नहीं होता बिल्डर। और तभी बिल्डर का सर शील्ड से कट जाता है और शील्ड वापस थैनोस के हाथ में आता है। थॉर, मैं तुम्हारी बात का भरोसा कैसे करूं थैनोस? इस पर थैनोस घुटनों में बैठते हुए, मारना चाहो तो मारो मुझे, तो पहले खुद से पूछो कि क्या मैंने तुम्हें दुनिया की रक्षा नहीं की, पूरे ब्रह्मांड की, अपने दोस्त की विरासत को? आगे बढ़ाने दो मुझे ताकि मैं वो खत्म कर सकूं जो उसने शुरू किया था। बिल्डर सब तो मारे गए पर अभी भी बहुत दुनिया बची है। थॉर, तो उठो, हमारे मारे गए साथियों का बदला लेते हैं। सभी हीरो वहीं रहते हैं और थैनोस बोलता है, कैप्टन अमेरिका के नाम एवेंजर्स असेंबल। कहीं और आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और मिस्टर फैंटास्टिक बात करते रहते हैं। फैंटास्टिक बोलते हैं, अच्छा कि थैनोस के बारे में नहीं बताया, सब एवेंजर इस पर राजी भी नहीं होते। पर ये बिल्डर के हमले के बाद हमारी दुनिया पे हमला का चांस और बढ़ गया है। इस पर स्टार्क, हाँ, और अगर ये ब्रह्मांड हमारी दुनिया का आखिरी बचा है तो हमें और बड़े हथियार चाहिए। उसे बीच में रोकते बीच एक मेहमान आए हैं। और तभी थैनोस, घबराओ मत, मैं शांति में आया हूँ। ये जगह कभी कैप्टन अमेरिका का था और एवेंजर्स में उसकी जगह लेने के बाद ये मेरा हुआ। तो पृथ्वी के हीरो दुनिया के नाश करने वाले बनना चाहते हैं, मेरा एवेंजर्स इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहिए द कॉमिकोलिक के साथ। शुक्रिया।